हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट का हाल कैसा रहेगा। साथ ही देखेंगे फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 16,000 का सपोर्ट मिल रहा है और 16,500 फिल एक्ट एज रेजिस्टेंस। वहीं बैंक निफ्टी को अराउंड 34,000 का सपोर्ट मिल रहा है और 35,100 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। आइए अब बात करते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले है इंटेलेक्ट डिजाइन, जहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 679 पर। स्टॉप लॉस 661, पहला टारगेट 697 और दूसरा 715 पर रख सकते हैं। इसके बाद है बिरला केबल, जहां पर पॉजिटिव चार्ट नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 143.6 पर। स्टॉप लॉस 140, पहला टारगेट 147.5 और दूसरा 150 पर रख सकते हैं। फिर है टेक महिंद्रा, जहां पर साइडवेज मूव ट्रेंड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1454 पर। स्टॉप लॉस 1415, पहला टारगेट 1495 और दूसरा टारगेट 1540 पर रख सकते हैं। फिर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जहां पर रिकवरी ऑन कार्ड्स है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 285 पर। स्टॉप लॉस 279, पहला टारगेट 291 और दूसरा टारगेट 302 पर रख सकते हैं। फिर है विप्रो लिमिटेड, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 575 पर। स्टॉप लॉस 561, पहला टारगेट 590 और दूसरा टारगेट 609 पर रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे और देखते हैं कि इन दिनों उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। जेनेसिस वेंट अप 4.8%, टच फर्स्ट टारगेट। अडानी ट्रांस वेंट अप 4.7%, टच फर्स्ट टारगेट। LTI वेंट अप 4.4%, टच फर्स्ट टारगेट। MGEL वेंट अप 10.2% इन 2 डेज। ATGL वेंट अप 10.2% इन 2 डेज, टच बोथ टारगेट्स। अब बात करते हैं स्टॉक इन न्यूज की। इसमें हम आज देखेंगे विप्रो, कोल इंडिया और TCS के बारे में। सबसे पहले विप्रो की बात करें तो विप्रो के ग्लोबल एक्सपीरियंस इनोवेशन फर्म डिजाइन इट ने अपने न्यू CEO निकोलस परमासीजियन को अनाउंस किया है। विप्रो ने इन्फॉर्म किया है कि परमासीजियन एज CEO रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर डिलीवरिंग क्रिएटिव एक्सेलेंस एंड एनहांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। वहीं कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया की सब्सिडरी BCCL ने रिकॉर्ड 61% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पोस्ट किया इन इट्स प्रोडक्शन टू 3.24 मिलियन टन इन फरवरी 2022। भारत कोकिंग कोल ने ये भी क्लेम किया दैट इट रजिस्टर्ड द हाईएस्ट ऑफटेक ग्रोथ ऑफ अराउंड 66% टू 2.93 MT ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। TCS की बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने रुपीज 18,000 करोड़ शेयर बायबैक ऑफर के डेट्स रिलीज किए, विच वॉज अनाउंस्ड इन जनवरी दिस ईयर। ये ऑफर ओपन होगा ऑन मार्च 9 एंड द विंडो विल क्लोज एट 5 PM ऑन मार्च 23rd। TCS ने कहा दैट इन द रिजर्व कैटेगरी फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स द रेशियो ऑफ बायबैक विल बी 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 7 इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑन द रिकॉर्ड डेट। वहीं जनरल कैटेगरी में फॉर ऑल अदर एलिजिबल शेयर होल्डर्स द रेशियो ऑफ बायबैक विल बी 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 108 इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑन द रिकॉर्ड डेट। मॉर्निंग आउटलुक में फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फाइव पैसा के साथ बने रहें और अपने फीडबैक और सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल फाइव पैसा को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। स्टे ट्यून्ड।